हौसला हो तो क्या नहीं पाया जा सकता है। इंसान में सच्ची प्रतिभा होनी चाहिए, बस फिर कोई भी कठिनाई उसका रास्ता या उसके बुलंद हौसलों को मात नहीं दे सकती। यहाँ हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिसने अपने जज्बों को कायम रखा और अपनी मंजिल को पाने का रास्ता बनाया और उसे हासिल भी किया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं श्रीकांत बोला की, जो बचपन से ही ब्लाइंड है। आज वो कंज्यूमर फूड पैकेजिंग कंपनी बोलंट इंडस्ट्रीज के CEO हैं। उन्होंने एक कंज्यूमर फूड पैकेजिंग कंपनी बनाकर कई लोगों के लिए एक मिसाल कायम की है। हैदराबाद के श्रीकांत बोला का बचपन कई कठिनाइयों से गुजरा। उनके परिवार की मंथली इनकम लगभग 1600 रुपया ही थी। श्रीकांत बचपन से ही पढ़ने में तेज थे। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के बावजूद श्रीकांत ने 10वीं अच्छे नंबरों से पास किया। उनकी मुश्किलें यहीं ख़त्म नहीं हुई। वो 10वीं के बाद साइंस पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके ब्लाइंड होने के कारण उन्हें उसकी इजाज़त नहीं मिली। श्रीकांत भी कहाँ हार मानने वालों में से थे। कई महीने की लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार श्रीकांत को साइंस पढ़ने की इजाज़त मिली और उसी के साथ श्रीकांत देश के पहले ब्लाइंड बने जिन्हें 10वीं के बाद साइंस पढ़ने की अनुमति मिली। उसके बाद श्रीकांत ने दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा। श्रीकांत को अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करते ही अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT में एडमिशन मिला। उसी के साथ ही श्रीकांत देश के पहले ऐसे ब्लाइंड स्टूडेंट बने जिन्होंने MIT से शिक्षा प्राप्त की। अमेरिका से अपनी शिक्षा लेने के बाद श्रीकांत ने हैदराबाद में अपनी कंपनी की शुरुआत की। श्रीकांत ने लोगों के खाने पीने के सामान की पैकिंग के लिए कंज्यूमर फूड पैकेजिंग कंपनी का गठन किया। उस कंपनी की शुरुआत श्रीकांत ने 8 लोगों की एक टीम से की। उन्होंने उस कंपनी में सबसे पहले आसपास के बेरोजगार लोगों को जोड़ा, जिसमें श्रीकांत ने ब्लाइंड लोगों को काम दिया। जब श्रीकांत की कंपनी अच्छी रफ्तार पकड़ने लगी तो फंडिंग की दिक्कत आना शुरू हुई, लेकिन श्रीकांत इससे पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने कई फंडिंग कंपनियों से और निजी बैंकों से फंड जुटाकर अपने काम को आगे बढ़ाया। श्रीकांत की कंपनी ने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया। आज श्रीकांत की कंपनी के तेलंगाना और हैदराबाद में 4 प्लांट हैं। उसमें हजारों की संख्या में कर्मचारी काम करते हैं। श्रीकांत कहते हैं कि जब सारी दुनिया उनसे कहती थी कि वो कुछ नहीं कर सकते, तो वो उनसे कहते थे कि वो सब कुछ कर सकते हैं। आज जिस मुकाम पर श्रीकांत हैं, उन्होंने अपने इस बात को साबित कर दिखाया है। श्रीकांत कहते हैं कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी की जंग जीतनी है तो सबसे बुरे समय में पेशेंस बनाकर रखने से सफलता ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।